नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ में तमसा नदी सफाई पौधारोपण महाअभियान का लगभग 2 साल होने को आ रहा है। प्रमुख समाजसेवी सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश द्वारा फिल्म नगरी में फिल्म बनाने की जब से चर्चा हुई है, तब से फिल्मी कलाकारों का तमसा परिवार और तमसा महाअभियान को बधाई देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गायक दलेर मेहंदी के बाद अब प्रसिद्ध धारावाहिक साईं बाबा में साईं की प्रभावशाली भूमिका अदा करने वाले अभिनेता मुकुल नाग और फिल्म सत्ता कंपनी मस्त गंगाजल के साथ अजय देवगन की फिल्म अपहरण में नाना पाटेकर के भाई उस्मान का अभिनय करने वाले अभिनेता मुकुल नाग का भी बधाई आने लगी है। आपको बताते चलें कि नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा साईं संस्था उनके आवास पर कराई गई थी, जिसमें अरविंद चित्रांश के निर्देशन में यही साईं बाबा मुकुल नाग जी अपने साईं नाथ की वेशभूषा में पधारकर बहुत ही अद्वितीय मनमोहक प्रस्तुति दिए थे। साथियों, आजमगढ़ की धरती पर तमसा पौधारोपण अभियान सालों से चलता रहा है। यहां अरविंद चित्रांश और तमाम स्वयंसेवी संगठनों, महिला पुरुष बच्चों द्वारा निरंतर देखने और सुनने को मिलता रहा है। वाकई आप लोग इतिहास बना रहे हैं यूपी में। आप सभी तमसा प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अभूतपूर्व कार्य को करने की। मैं मुकुल नाग एक अभिनेता हूं। मैं ये वचन देता हूं, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके पास आकर इस नेक कार्य को करने के लिए आपके साथ रहूंगा और कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाकर इस यज्ञ में अपनी आहुति दूंगा। जय हिंद, जय भारत।